Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and decision Making. This is module number 209. And our concern of discussion is related to emotional culture and its implementation aspects. When we talk about emotional culture, obviously we are talking about an environment in which humans are interacting with one another. Because usually machines do not have emotions. So, that human interaction? We have to be careful. कॉन्शियस रहना है और माइंडफुल रहना है यहां पर एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल वैल्यूज टॉप मैनेजमेंट जो भी परस्पेक्टिव कैरी करते हैं जो भी उनकी एसोसिएशनिएशन है जो भी उनकी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इमोशन है ये तमाम चीजें हरारकी में फ्लो करेंगी और इवेंचुअली लोग उन्हीं बातों को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे विच आर द प्रायोरिटीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट सो टॉप मैनेजमेंट नीड्स टू हैव द मेजर फोकस टॉप मैनेजमेंट नीड्स टू हैव अ डेवलप्ड परसपेक्टिव टॉप मैनेजमेंट नीड्स टू हैव द चेंज ओरिएंटेशन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड रियलाइज दैट फैक्ट कि थिंग्स आर ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम देम टू द बॉटम लाइन देयरफॉर हमारे लिए बहुत जरूरी यह होगा कि टॉप मैनेजमेंट के वैल्यू प्रस्पेक्टिव को वो हम समझ सकें वो क्या वैल्यूज हैं वो क्या नॉर्म्स हैं विच दे फॉलो वो किन एहसास को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनका मिशन एंड विजन वो क्या है उनके लिए डीप रूटेड परस्पेक्टिव डीप रूटेड एसोसिएशन एंड एफिलियशन वो क्या हैं बिकॉज इन चीजों के बगैर हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कि हम डाउन द हरारकी लोगों की जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है उनके जो थिंकिंग पैटर्न हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें देर फोर हमारे लिए इंप्लीमेंटेशन के दौरान बहुत जरूरी है कि हम ऑल लेवल्स के ऊपर जो factors demonstrate हो रहे हों उनको विजुअलाइज करें द फर्स्ट थिंग इज सिंबॉलिक इमोशंस एंड इट इज सेड दैट सिंबॉलिक इमोशनल जेस्टर्स आर पावरफुल बट ओनली इफ दे आर इन लाइन विद डेली बिहेवियर सो सिर्फ एक जज्बाती तकरीर की मानिंद नहीं है आपको यह भी देखना है कि रोजमर्रा की रूटीन के अंदर किन जज्बात को किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है लोगों में लेवल वो कैसे क्रिएट करना है इट्स इंपॉर्टेंट टू लिंक द इमोशनल कल्चर टू ऑपरेशन एंड प्रोसेस बिकॉज हमने ये बात डिस्कस की कि जिसमें के इंप्लॉय की सेटिस्फेक्शन कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का सब होगा इसी तरह लोगों की काम में इन्वॉल्वमेंट उनकी एंगेजमेंट उनकी कमिटमेंट उनकी लॉयल्टी ये तमाम तरह चीजें ऑब्वियसली इमोशनल कल्चर इमोशनल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड वो हैं लास्ट पर लीस्ट पॉइंट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव एन इमोशनल पल्स एंड मैनेजर्स मस्ट ट्रैक इट क्लोजली टू मोटिवेट देयर टीम्स एंड रीच देयर गोल्स सो हर जगह पर कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए जरूर होते हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है इंप्लीमेंट so, करना चाहते हैं इंप्लीमेंटेशन में अब हम उनके उस रेजिस्टेंस को, को वो ओवरकम कैसे करें और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के इमोशनल पल्स को वो अंडरस्टैंड करें और यह जान पाए कि वहां के, वहां पर ऑपरेट करने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि दे दे आर देयर देयर टू टू मीट मीट और अपने objectives को meet करने के लिए नीड हैव द वर्क परफॉर्म और उस काम को करने के लिए दे नीड टू हैव द पीपल एंगेज और लोगों की एंगेजमेंट को लेकर आने के लिए हमें यह देखना होगा कि उनके एहसास उनके ख्याल उनके महसूसात वो क्या हैं और हम किस तरीके से उनको ज्यादा सेल्फ अवेयर ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल ज्यादा एंपथेटिक ज्यादा मोटिवेशनल और ज्यादा सोशल इंटेलिजेंस के साथ यूज कर सकते हैं थैंक यू